हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। और आज मैं इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूँ बजाज पल्सर 150 ABS और TVS Apache RTR 164 भी ABS के बीच में। और ये दोनों बाइक अभी कुछ दिन पहले ही ABS वर्जन के साथ अपडेट होके लॉन्च हुई है, तो वीडियो आप पूरा देखते रहिए। और इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट इस चैनल का आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन दोनों के प्राइस से। तो बजाज पल्सर 150 ABS का स्टार्टिंग प्राइस 87,226 रुपीज है और अपाचे RTR 164V का स्टार्टिंग प्राइस 98,644 रुपीज है। और इन दोनों बाइकों का ये प्राइस एक शोरूम न्यू दिल्ली का प्राइस है। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। दूसरे नंबर बात करते हैं इन दोनों के इंजन की। तो बजाज पल्सर 150 में 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व DTSI इंजन मिलता है और इसका ये इंजन 8000 RPM पे 14 PS का पावर और 6000 RPM पे 13.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और यही TVS Apache RTR में 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SI इंजन मिलता है और इसका ये इंजन 8000 RPM पे 16.8 PS का पावर और 6500 RPM पे 14.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इन दोनों बाइकों में 5.5 स्पीड का गियर बॉक्स भी दिया गया है। तीसरे नंबर बात करते हैं इन दोनों के ब्रेक की। तो बजाज पल्सर 150 ABS के फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिलता है और सिंगल चैनल का ABS, और वहीं अपाचे RTR में भी फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिलता है और सिंगल चैनल का ABS। यहाँ ब्रेक के मामले में दोनों इक्वल है। चौथे नंबर पर बात करते हैं इन दोनों के परफॉर्मेंस की। तो पल्सर 150 का माइलेज 65 kmpl तक है और अपाचे RTR 160 का माइलेज 60 kmpl तक है, ऐसा कंपनी का बोलना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों बाइक इतना माइलेज दे सकती है। अगर इन दोनों बाइकों में से आपके पास कोई भी बाइक है तो बाइक का नाम और माइलेज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पल्सर 150 का टॉप स्पीड 110 kmps तक है और अपाचे RTR 160 का टॉप स्पीड 114 kmps तक है। टॉप स्पीड भी यहाँ पे फिक्स नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है। पांचवे नंबर पे बात करते हैं सस्पेंशन की। तो पल्सर 150 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बुश सस्पेंशन मिलता है और रियर में ट्विन सस्पेंशन विद नाइट्रोक्स शॉक्स अब्सॉर्बर के साथ। और यही अपाचे RTR 164V के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में मोनोशॉक मिलता है। छठे नंबर पर बात करते हैं दोनों के टायर्स की। तो पल्सर 150 ABS के फ्रंट और रियर 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है अलॉय व्हील के साथ और RTR 160 ABS के फ्रंट और रियर में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है अलॉय व्हील के साथ। यहाँ पे टायर्स के मामले में दोनों ही इक्वल हैं। सातवें नंबर बात करते हैं इन दोनों के डायमेंशन की। तो पल्सर 150 का सीट हाइट 785 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर है और इसका कर्व वेट 144 kg है। यही अपाचे RTR 164V ABS का सीट हाइट 800 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर और कर्व वेट 147 kg है। आठवें नंबर बात करते हैं इन दोनों के एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो बजाज पल्सर 150 में स्पीडोमीटर डिजिटल, टैकोमीटर एनालॉग और एक आपको फास्ट स्विच मिल जाता है, लेकिन अपाचे RTR 160 में स्पीडोमीटर डिजिटल, टैकोमीटर डिजिटल, लेकिन इसमें आपको फास्ट स्विच का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था बजाज पल्सर 150 ABS वर्जन और TVS Apache RTR 160 ABS वर्जन के बीच में छोटा सा कंपैरिजन। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कर सकते हैं और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप और किन बाइकों के बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।